हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कहानी और उपन्यास में अंतर और कहानी का उद्देश्य हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का जो क्वेश्चन है वह है कहानी और उपन्यास में अंतर बताते हुए कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए इसका उत्तर देखें तो उपन्यास और कहानी को हिंदी गद्य की कथा विधा के दो रूपों में से एक रूप उपन्यास है यह अपने विस्तार में महाकाव्यात्मक गरिमा लिए हुए होता है जबकि कहानी एक गमले में उगा हुआ एक छोटा सा पौधा है जिसमें जड़ तना पत्तियाँ फूल सभी कुछ विद्यमान होते हुए भी वह स्वतंत्र रूप से एक इकाई है इसी तरह कहानी भी तात्विक दृष्टि से कथानक पात्र कथोपकथन देशकाल परिस्थिति भाषा शैली और उद्देश्य आदि के रूप में विश्लेषित की जाती है लेकिन वह अपने अस्तित्व को एक छोटे आयाम में ही सिद्ध करने की क्षमता रखती है और उपन्यास और कहानी का अपना साहित्यिक दृष्टि से अलग अलग अस्तित्व होता है पहला है कहानी और उपन्यास दोनों में ही कथानक होता है उपन्यास महाकाव्य के समान जीवन के समग्र पहलुओं के केंद्र में रखकर पात्रों के चरित्रगत चित्रण उनके विकास स्थानीय वातावरण भावनाओं के आघात प्रतिघात मुख्य कथा के साथ सहयोगी कथा प्रसंगों को लेकर चलते हुए अपने लक्ष्य तक पहुँचता है इस दृष्टि से उसे एक लंबी यात्रा तय करनी होती है जबकि कहानी का प्रेरक कोई एक मार्मिक विचार होता है और इस विचार का विकास ही केंद्रित होकर अंत में उद्देश्य रूप में परिणत होता है इसमें कहानीकार को अपनी दृष्टि सीमित करनी होती है इससे हम यह कह सकते हैं कि कहानी और उपन्यास के कथानक में मौलिक अंतर है कहानी स्पष्टतया जीवन या जगत के किसी एक अंश का रहस्योद्घाटन करती है इसमें जीवन को पूर्णता से देखने का प्रयास नहीं किया जा सकता जबकि उपन्यास में पात्रों के संपूर्ण जीवन की झलक मिलती है दूसरा है कथानक की सीमा के कारण ही उपन्यास और कहानी के आकार में भी अंतर होता है कहानी आठ दस पृष्ठ से लेकर दस पंद्रह पृष्ठ तक की हो सकती है और आसानी से आधे घंटे में पढ़ी जा सकती है पर उपन्यास के लिए पृष्ठ अथवा समय का कोई बंधन नहीं होता कहानी का रूप छोटा होता है और उपन्यास का रूप बड़ा कहानी और उपन्यास के बीच के अंतर को स्पष्ट करने वाला एक तत्व प्राभावान्वित भी है कहानी में यह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है कहानीकार कहानी के विषय को प्रभावों की एकता में क्रम में संयुक्त करता चलता है और उसका यह सम्मिलित प्रभाव व्यू की कहानी की शक्ति बनता है उपन्यास में यह जीवन के विविध क्षेत्रों की झांकी देते हुए वस्तुस्थितियों के बीच से विचरण करते हुए पात्र को एक लंबी यात्रा तय कराती है और अंततोगवता समग्रता में एक संवेदना बिंदु तक पहुंच जाती है इसका प्रभा मंडल बड़ा ही व्यापक होता है चौथा है कहानी और उपन्यास की कल्पना में भी विस्तार और संक्षेप का मौलिक भेद होता है और सबसे बड़ी बात यह होती है कि उपन्यास में रचनाकार अपनी प्रति में एक बड़े वृत्त को घेरती है जबकि कहानी में रचनाकार नजदीक से उस वृत्त के एक अंश को अधिक बारीकी से शोधता है पांचवा है विचारों और भावों की अभिव्यक्ति का स्तर भी उपन्यास और कहानी के बीच एक अंतर स्थापित करता है उपन्यासकार की अपेक्षा कहानीकार का कार्य अधिक विवेकपूर्ण होता है इसमें स्मृति से अधिक विस्मृति की सहायता लेनी पड़ती है उपन्यास के समान किसी मनोवैज्ञानिक अंतर्द्वंद के चित्रण के लिए अवकाश कम होता है संभवता इसका एक कारण यह भी है कि उपन्यास में चरित्र के विकास की संपूर्ण भावनाएं होती है जबकि कहानी में चरित्र का मात्र उद्घाटन होता है छठा है शैली की दृष्टि से कहानी की शैली में प्राण व्यंजकता और ध्वनियात्मकता होती है जबकि उपन्यास में विश्लेषण शैली का महत्व होता है पूर्वोक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कहानी अपने अस्तित्व में उपन्यास से अलग और एक स्वतंत्र गद्य विधा है कहानी का भी एक उद्देश्य होता है यह सहज उद्देश्य मनोरंजन तो माना ही जा सकता है लेकिन कहानी जीवन के किसी एक पक्ष के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है अतः उद्देश्य की दृष्टि से कहानीकार का रचनात्मक उद्देश्य किसी जीवन सत्य की प्रतिष्ठा करना होता है अब यह उसकी कलात्मकता पर निर्भर करता है कि वह उस सत्य को सत्य के रूप में प्रतिपादित करें। कलात्मक जामा पहनाकर कला सूत्रों में भटका दे एक समय था कि जब कहानी का उद्देश्य किसी आदर्श की प्रतिष्ठा करना था फिर कहानी में किसी समस्या की प्रतिष्ठा कहानी का उद्देश्य हो गया आज कहानी सामान्य रूप से पाठक को उस संवेदना तक पहुंचाने का काम करती है जहां पहुंचकर पाठक तदनुसार मानसिक प्रक्रिया से गुजरता हुआ समस्या के समाधान के स्तर पर स्वयं को एक क्रियाशील इकाई के रूप में अनुभव कर सके वह पाठक की प्रेरणा का विषय बन सके तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है जिसमें हमने जाना कहानी और उपन्यास में अंतर बताते हुए कहानी के उद्देश्य के बारे में अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you for watching.